कच्ची केड़ियों की चटनी बनाएंगे इतनी मज़े की कि शायद ही आपने इससे पहले इतनी मज़े की चटनी खाई होगी। आप इसको दाल के साथ, किसी सब्जी के साथ या फिर आप इसको सिंपल रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाथ में सब मसालों को हम कूटेंगे अच्छी तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा हाफ टी स्पून और 3 अदद छोटी लाल मिर्चें। आज हम इसको ना ही मैश करेंगे और ना ही किसी मशीन में हम इसको बनाएंगे, हम इसको हाथ पे तैयार करेंगे। मेरे चैनल पर आपको एक और भी रेसिपी चटनी की मिलेगी, तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। इतनी मज़े की ये दोनों ही चटनियाँ बनती है हमारे घर में, इन दोनों को बहुत ही पसंद किया जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद लहसुन के जवे। आप चाहें तो इसको जो है चॉपर में भी बना सकते हैं, पर जितना मज़ा हाथ से कूटने में आता है ना, उतना मज़ा चॉपर में नहीं आएगा। इस वजह से हम इसको हाथ पर ही बनाएंगे। आप ही ट्राई कीजिएगा कि आप इसको हाथ पे तैयार करें, ठीक है। हमने बस इसको रफली कूटना है, ठीक है। तो हमने जो लाल मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा डाला था उसकी अच्छे तरीके से चटनी बन चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटी छोटी सी इस तरीके की ग्रीन चिलीज़। इसकी डेंटल को हम इस तरीके से रिमूव कर लेंगे और मिर्चों को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से इनकी भी चटनी बना लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपी। चलें अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, जिसको मैंने इस तरीके से रफली कट कर लिया है। वो भी इसमें डालते जाएंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काला नमक, और अगेन हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कूटेंगे। तो यहाँ पे ये सब मसाले अच्छे तरीके से ये देखिए पेस्ट की शक्ल में आ चुके हैं। चलें अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो अब आती है प्याज की बारी। तो प्याज को भी मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है, तो इसको भी हम डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको अच्छे तरीके से कूटते जाएंगे, ठीक है। एक साथ नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो ये देखिए प्याज भी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है। चलें अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। स्पून लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेस करके फिर निकालेंगे, ताकि जो इसका वाटर है वो चटनी में ना जाए, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए प्याज ने कितना पानी छोड़ा है, तो अब हम इसको वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलें अब आते हैं कच्ची केड़ियों की तरफ। तो इनको भी मैंने अच्छे तरीके से पील अप करके इन छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इनको अच्छे तरीके से कूटेंगे, जैसे हमने बाकी सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कूटा था। एक साथ हमने कच्ची केड़ियों को साथ नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे और कूटते जाएंगे, ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। ऐसे जल्दी से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी केड़ियों को भी मैं इस तरीके से कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें हमारे चटनी के सारे मसाले, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी हैं। चलें अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी खट्टी खट्टी सी मज़ेदार सी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आप अपने घर पर किस तरीके से चटनी बनाते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़।